नमो नमः। इस सूत्र को लेकर गांव-गांव, ढाणी ढाणी, शहर-शहर, गली-गली पिछले 22 साल से दौड़ रहा हूं कि कन्या भ्रूण बचाओ, बेटी बचाओ, देश बचाओ। आप लोग भी सुन रहे हैं और मैं भी सुन रहा हूं। जानकारी आपको भी है, जानकारी आप मेरे पे आरोप लगे हैं। बेटी है तो सृष्टि है, इस धारणा का पुजारी रहा हूं। तो लांछन गुरु और शिष्य, पिता और पुत्री के संबंधों पर है और मेरे लिए नारी सर्वोपरि रही है। इस विषय पर मेरा कुछ भी बोलना मेरे लिए अपराध और पाप होगा। जांच पुलिस के पास है, पुलिस ने मुझे बुलाया। जो मेरा पक्ष था मैंने अपना सत्य का पक्ष उनके सामने रखा और मुझे न्यायपालिका और पुलिस प्रशासन पर पूर्ण विश्वास है कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा। पुलिस जांच के लिए जब भी बुलाएगी मैं हाजिर था, मैं हाजिर हूं और हाजिर रहूंगा। मेरे लिए राष्ट्र हमेशा सर्वोपरि रहा है और राष्ट्र से बड़ा ना कोई था, ना कोई है, ना होने की संभावना है। और भारतीय संविधान की इज्जत करता हूं, भारतीय संविधान का पुजारी हूं। मैं संविधान से कभी नहीं भागूंगा और मैं भगोड़ा नहीं सेवक हूं, इस राष्ट्र का दास हूं। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं जांच में पूर्ण सहयोग करूंगा, सहयोग करा भी हूं, आगे भी करता रहूंगा। बस मेरा निवेदन इतना ही है कि नारी प्रकृति का आधार है, सृष्टि का, सृजन का आधार है। नारी पर परिचर्चा नहीं हो, पुलिस को जांच करने दीजिए और जांच में मैं पुलिस के साथ हर संभव प्रयास करूंगा अपना सहयोग देने का। नमन। क्षमा करिएगा, मामला पुलिस का है और जांच पुलिस कर रही है, ये जानकारी उनसे होनी चाहिए, मुझसे ज्यादा कुछ भी कहने। देखिए मेरी मेरा विश्वास नहीं, मैं एक बात ध्यान रखिएगा, मैं आपसे फिर मीडिया से कहना चाहता हूँ, मेरा निवेदन है नारी संपूर्ण जगति का आधार है और उस पर परिचर्चा नहीं हो तो नारी का भी स्वाभिमान होगा, राष्ट्र का भी स्वाभिमान होगा और मेरे पे दया होगी। जांच जांच पुलिस कर रही है। जो आरोप है वो जांच से पाप पर है, आपके भाइयों पर भी है, काफी संगीन आरोप है। ये तो मैंने आपसे कही ना, ऐसी क्या वीडियो थे जिसके रिप्लेस पर आप कहना चाह रहे हैं कि अगर आपको लगता है साजिश है तो कौन लोग हैं, कौन लोग कर रहे हैं ये हाँ, ये मामला मैंने पहले भी रखा था कि आज से 5-6 महीना पहले नवीन गुप्ता, सचिन जैन, इन लोगों ने मेरे पास आए कि साहब अभिषेक अग्रवाल ने हमारे पैसे ले लिए। अभिषेक अग्रवाल 2095 में आया था, यहाँ सेवा करता था, सॉरी 2015 दिसंबर में आया था और वो सन्निधान में फूलों की सेवा करना, भंडारा करना, शादियों में सहयोग करना, सेवा करता था। मैं नकार नहीं सकता क्योंकि जो यहाँ सेवा करता मैं उसके बारे में जरूर आपको बताता हूँ, लेकिन सेवा करते करते इन लोगों से उसका संबंध बना और इनका आपस में आर्थिक लेन देन हुआ और आर्थिक लेन देन में अभिषेक का कहना है कि मेरे को घाटा हो गया। ये लोग मेरे पास आए कि अभिषेक सन्निधान में आता था और हम भी सन्निधान में आते थे, आप हमारा पैसा दीजिए। मैंने कहा कि भाई ना तो आपने मेरे हाथ में दिए और नहीं मैं आपके आपका 2016 का लेन देन है, मुझे आप 2017 अक्टूबर नवंबर में क्यों कह रहे हो, मेरे को क्या जानकारी, आपने क्या लिया क्या दिया मेरी कोई जानकारी नहीं है। तब सचिन जैन, नवीन गुप्ता ने कहा कि हम बर्बाद हो गए हैं, हम आपको भी बर्बाद कर दें। मैं बहुत परेशान रहा, पिछले 6 महीने से परेशान हूँ, लेकिन क्योंकि बेटियाँ थी, सैकड़ों बेटियों का पिता हूँ, मैं कुछ नहीं बोला कि किसी तरह इन बेटियों का सम्मान बचा रहे। 5 मई की बात है, मैं गुड़गांव गया था और गुड़गांव पर मैं उधर से वापस, जो फरीदाबाद गुड़गांव रोड है वहाँ पर मैं निकल रहा था, रेड लाइट पर ही सचिन जैन ने अपनी गाड़ी लगाई, अपने बाउंसरों के साथ मुझे घेरा, कहा कि 1 महीना है और 1 महीने में यदि आपने मेरे पैसे नहीं दिए तो मैं आपको बर्बाद कर दूंगा, मैं आपको कहीं का नहीं छोड़ूंगा। तो ये पैसों का मामला था, अब मेरे पास पैसे थे, मैंने उन्हें बहुत समझाया कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे पास पैसे नहीं, मैं पैसे कहाँ से दूँ। और मैंने ये भी कहा क्योंकि मैं अब कुछ छुपाना नहीं चाहता, क्योंकि होता क्या कि मैं बेटियों का पिता हूँ, जिस तरह का उन्होंने मुझे दबाव, प्रेशर,
जितना भयभीत मुझे किया, मैंने उनसे निवेदन किया कि भाई देखो मेरे पास कुछ है नहीं, मैं पिछले 12-13 साल से बच्चियों के लिए कॉलेज बना रहा हूँ, अस्पताल बना रहा हूँ, मेडिकल कॉलेज की तैयारी कर रहा हूँ, वो स्थान है, तुम 15-15 सालों से मेरी सेवा कर, मेरा गुनाह नहीं है, मैं कोई गुनाह नहीं, मैं कल्पित नहीं हूँ, मैंने कोई तुम्हारा पैसा नहीं लिया, लेकिन क्योंकि तुम 15 सालों से मेरे साथ रह रहे हो, तुम ये अस्पताल ले लो, बीच बात के तुम अपने पैरों पर खड़ा हो जाओ। जब अस्पताल की जमीन की उसकी बात हुई तब भी उन्होंने मुझे बहुत परेशान किया, नहीं अब आप सनीधाम की पार्किंग दे दीजिए, आप उज्जैन की जमीन दे दीजिए, आप जो आश्वासन बाद स्कूल दे, इस तरह का दबाव होने के कारण मैं बहुत परेशान था, मैं बहुत परेशान था। तो मैं ये मैं मानता हूँ कि इन लोगों का आर्थिक षड्यंत्र है, लेकिन नारी का अपमान ना होना चाहिए, ना संभव है, मैं कम से कम नहीं कर सकता। मैं पुलिस जांच के सामने प्रस्तुत हुआ, मैंने अपना पक्ष जो सत्य था उनके सामने रखा, और मैं पुलिस को पूर्ण आश्वस्त कर रहा हूँ कि मैं भगोड़ा नहीं हूँ, ना मैं भागूंगा, जांच में जब भी मुझे बुलाया जाएगा मैं उपस्थित रहूँगा और मैं अपना पूरा सहयोग करूँगा। लेकिन क्योंकि मैं आप लोगों की सभी के सामने वर्षों से हूँ, आप लोगों को भी विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि राष्ट्र का नागरिक हूँ, गुनाह हो फांसी दे दो कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन नारी का अपमान मत करो। या सचिन जैन ने ये कहा था कि मैं आपको बर्बाद कर दूंगा, मैं उन ये बच्चा मेरे पास ही था, 10 साल से मैंने पढ़ा लिखा के इनको बड़ा किया है, इनको BCA कराया, MCA कराया, एक साल के लिए मैंने RS की कोचिंग करवाई, और ये सब सचिन जैन और ये सब आपस में जानते हो। अब मैंने कहा ये पुलिस जांच का मामला है, पुलिस यदि इनके नंबरों को करेंगी तो सब सामने आ जाएगा। और आपसे भी निवेदन करना चाहता हूँ, मैं बेटियों का बाप हूँ, और आपसे निवेदन कर, जिसकी बेटियाँ जिनको सैकड़ों बेटियों ने जिसने पाला हो उस बाप पे कलंक लगा है, और सैकड़ों बेटियां शादियों के लिए तैयार है, मेरा निवेदन है कि इसको नारी को विषय मत बनाइए, जांच होने दीजिए, जिससे कि राष्ट्र का भी कल्याण हो और निष्पक्ष निर्णय हो और नारी का सम्मान बना। एक बड़ी मेजर सब जानते, वहां पुलिस खड़ी थी, वहां भी पुलिस खड़ी थी, पुलिस ने कोई कार्रवाई कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा, रोना तो यही था आपकी तरफ से, मतलब पुलिस नहीं, मैं मुझे नहीं पता, मैं ये सब चीजें नहीं कर, मैं गुड़गांव की बात करूं, मेरा ये कहना कि मैं आपको फिर बताना चाहता हूं कि जब मैं बेटी पर बयान देना नहीं चाह रहा हूं तो भयभीत इतना था कि मामला उसार, मेरे पास सैकड़ों बेटियां और ये आर्थिक मामला, मेरी बेटियां बर्बाद नहीं हो जाए, मैं हर जगह चुप रहा, लेकिन जब इन्होंने सब कुछ कर ही दिया है तो मामला आपके सामने। मेरे दो सवाल है, एक तो ये कि जो ये लड़की वाला आरोप लगाया तो सुन रहे थे आप दाती महाराज को, जो कह रहे हैं कि मैं नारी का सम्मान करता हूं और मेरे खिलाफ ये पूरा जो षड्यंत्र है वो दरअसल आर्थिक षड्यंत्र है। नवीन सचिन अभिषेक ने आर्थिक षड्यंत्र रचा है, मैं नारी का अपमान नहीं कर सकता, जांच होने दीजिए, मामला अपने आप साफ हो जाएगा, ये कहना है दाती महाराज का। ये है ABP News, आपको रखे आगे।